अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, घरों में खुश होंगे। और आप देख रहे हैं मोम कुकिंग्स, और आज हम बना रहे हैं चिकन देगी कोरमा। इसके लिए ये मैंने इधर चिकन लिया है, 1 किलो से कुछ कम है ये चिकन, ये लिया है। और इधर ये इसका मसाला, इसमें 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं, और ये कुछ जवे लहसुन के हैं, और 7 से 8 ये सब्ज़ लंबी वाली मिर्ची हैं, और 2 अदर टमाटर है, 2 लेमन, और ये कुछ टुकड़े अदरक के हैं, और 1 कप से थोड़ा कुछ कम ये दही लिया मैंने, और ये जो है ये कोरमा मसाला है, और ये इसमें जो है 1 अदद लौंग है, और ये 3 छोटी इलायची हैं। और आई देखते हैं हम ये कैसे बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया चूल्हे पे, अब इसमें हम डालते हैं घी और आपको दिखाते हैं कैसे बनता है ये देगी कोरमा। ये हमने कढ़ाई पे घी डाल दिया और इसे मेल्ट होने देते हैं। इसमें फिर हम डालेंगे चिकन, हल्का सा फ्राई करेंगे घी और घी में चिकन, और फिर आपको दिखाते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए जी, हमारा घी जो है गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे चिकन और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हल्का सा, और फुल आंच पे इसे फ्राई करना है ताकि ये साथ में दिखे ना, और ये हमारा चिकन जो है ये अच्छे से फ्राई हो जाए और ये गले भी ना। मैंने चिकन डाल दिया, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, इसे जलाना नहीं है, बस फ्राई करना है। हल्का हल्का फ्राई करके इसे निकाल देते हैं, और बाकी चीज़ें फिर आपको दिखाते हैं बाद में इसमें क्या क्या डालेंगे, तो किस किस स्टेज पे डालेंगे, और जो जो मसाले डालेंगे वो साथ साथ आपके साथ शेयर भी करेंगे। ये वो जो देगों में बनाते हैं, जो देगी कोरमा होता है ना, ये उसकी भी रेसिपी है, शादियों में बनाया जाता है। माशाल्लाह हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है अच्छे से, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, और हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया, चिकन मैंने निकाल लिया था, और इसमें प्याज डाल देते हैं, और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं जी। ज़्यादा था इसलिए मैंने निकाल लिया है, वो फिर जब हम खाना बनाएंगे उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए जी, अब जो ये अदरक लहसुन और ये सब्ज मिर्चे हैं, हम इन्हें जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। मसाले हो रही हैं जी, माशाल्लाह हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और सब्ज मिर्ची का पेस्ट जो हमने बनाया था जग में डाल के। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, कहते हैं जी 1 अजान सुन लेनी चाहिए, 2 हमने 1 सुन ली थी अजान। हमारे पास 3-4 मस्जिद हैं, इसीलिए सब मस्जिद अजान देती हैं। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अब इसे अच्छे से भूनेंगे मसाले को। जी माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है,
माशाल्लाह हमारा मसाला जो है ये अच्छे से भुन गया। मैंने इसमें दो छोटी इलायची जो मैंने आपको दिखाई थी वो भी डाल दी है, तीन छोटी छोटी, और एक अदद लौंग था जो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। अजानें हो रही थी इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। अब इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे, तो ये वही पानी है जिसमें मैंने अदरक लहसुन डाल के ब्लेंड किया था, उसी जगह में डाल कर मैंने इसमें डाल दिया। तो ये हमने टमाटर डाल दिए, ये पीसी हुई लाल मिर्चें डाल दी एक चम्मच, हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं इसमें, कम डालेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर ये मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। और ये नमक हसबे जायका, देखिए जी हमने डाल दिया इसमें नमक मिर्ची, थोड़ा उसे अच्छे से भून लेते हैं। और ये मेरे पीछे शिफा बतूल आ चुकी है, तो उसे पता चल गया ये वीडियो बन रही है और वो फिर से ड्रामे करना शुरू हो गई। मोहन जी फिर आ गया, कितने आ गया है, ओ देख लो आ गया जी शिफा बतूल, गंदा बच्चा मोटा ओह मेरा जान है प्यारा जा शिफा। देखो जी साढ़ा मसाला चंगी तरह भुन गया, हल्का सा पानी फिसल ताकि ये नीचे ना लगे और हमारे टमाटर जो हैं ये अच्छे से भून जाएँ, मैल हो जाएँ, अच्छे से भून के फिर आपको ये दिखाते हैं। ये कसम से ये बड़ा मज़ेदार बनता है, बड़ा टेस्ट होता है इसका। ये देखें जी शिफा बतूल क्या कर रहा है, शिफा क्या कर रहा है, हाँ की खाता शिफा, शिफा की खाता, चीजी खाती है शिफा, चीजी खाता है केड़े मुना खाता है आले मुना नहीं पो तुसी रहन दो, असि आप ही मार लांगे, असि आप ही सफाई कर लांगे, एक गंदा ए, 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 करा 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 हाँ गंदा, इधर आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, तुसी इधर आ जाओ, वीडियो बनाओ शिफा बतूल दी। ये देखें जी शिफा बतूल क्या कर रहा है, की खाना ओ ली भाई नानू भी खिला, छोटा शिफा है ओलो, शिफा की खांदा है फुलियां खांदा है शिफा फुल, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो जज़ाकअल्लाह, ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है, अच्छे से भूनता है फिर आपको दिखाते हैं। चिकन भी डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मसाला जो है ये अच्छे से तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना गर्म, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इससे। अब इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने हल्का हल्का फ्राई किया था वो, और अच्छे से भूनेंगे इसे मसाले में। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस जो हमने निकाल के रखा था, देखो माशाल्लाह। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे जो दही था हमारा मैंने आपको दिखाया था वो, अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे
वही अच्छे से मैंने भैंट लिया था दही, थोड़ा सा इसे भून के फिर हम इसमें डालेंगे मसाला, कोरमा मसाला। हमारा मसाला जो है अच्छे से भून गया और इस स्टेज पे आ गया, हम इसमें डाल देंगे कोरमा मसाला। ये जो था हमारे पास, ये मैंने मेहरान का लिया, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसका। कुछ देर के लिए हम इसके साथ इसे भूनेंगे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी जाने आप लोग प्यारी खुशबू आ रही है कसम से। इसका कलर देखिए आप कितना प्यारा है, इसे कुछ देर के लिए भुनेंगे, जो इसमें थोड़ी सी कसर है अभी पानी की नमी ही वो ख़त्म हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा चिकन कोरमा ही अच्छे से भुन गया, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। और अब हम इस एक कप के बराबर हम इसमें डाल देंगे पानी, ताकि ये जो हल्का सा ग्रेवी है हमें सालन में वो नज़र आए, और ये जो मसाला है हमारी बोटियों के अंदर अच्छे से रह जाए। और इसके बाद ये हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, और 10 से 15 मिनट हम इसे रखेंगे हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि हमारी बोटियाँ भी अच्छे से गल जाए। हम कर देते हैं इसे कवर। आइए जी देखते हैं हमारा कोरमा कैसा तैयार हुआ है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जी, ये देखें हमारा कोरमा इस वक्त तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तो आए हम प्लेट में डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, और फ्लेम कर देते हैं। ओहो दिया, हमने प्लेट में डाल दिया और ये रखा हमारा चिकन कोरमा, और ये कितना अच्छा लग रहा है, और ये कितना मज़े का लग रहा है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो यहीं पे करते हैं, आज की वीडियो जी यहीं पे करते हैं ख़त्म। इसी दुआ के साथ अपने घरों में खुश रहें, अपनी भी बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, अपने माँ बाप में हमेशा खुश रखें, और हमें भी दुआओं में याद रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, हमेशा खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।